है दोस्तों वीवो का फ़ोन है दोस्तों। दोस्तों इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि इसमें जल्दी बैटरी लो हो जाती है दोस्तों, मतलब ज़्यादा बैटरी टिक नहीं पाती दोस्तों, मतलब 1 से 2 घंटा बैटरी रखते हैं तो चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों मैंने अभी इसकी बैटरी निकाली दोस्तों, और ये मेरे पास वीवो का फ़ोन है, उस सामान है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये बैटरी है और ये फ़ोन है वीवो का 15 प्रो दोस्तों, है ना। और इसमें दोस्तों कॉम्बो भी डाला हुआ है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये फ़ोन में चार्जिंग नहीं रहता दोस्तों, मतलब चार्जिंग एक सिर्फ आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, और फटाफट चार्जिंग इसमें उतर रहता है दोस्तों, चार्जिंग इसमें टकता नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो आज मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपके पास फ़ोन हो ऐसा जिसमें आपके फ़ोन में बैटरी नहीं टकती हो दोस्तों। दोस्तों मैंने चेक किया मल्टीमीटर से, और मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ एक बार। पहले मैंने मल्टीमीटर से चेक किया दोस्तों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ मल्टीमीटर दोस्तों मेरे पास, और उसको मैं बजट की रेंज रखूँगा। देखिए दोस्तों बीप साउंड आ रहा है दोस्तों, अब चेक कर लेता हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे पॉजिटिव का पॉइंट दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और पीछे साइड करते हैं तो देखिए 332 आ रही है दोस्तों, 332। और उसको प्रोडक्ट को चेंज करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही, मतलब हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके दोस्तों। तो ये बात साबित हो गई दोस्तों कि प्रॉब्लम हमारी फ़ोन में नहीं है दोस्तों, हमारे जो बैटरी उतर रही है वो प्रॉब्लम दोस्तों फ़ोन में नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है इस बैटरी में दोस्तों, इस बैटरी तो ओके दोस्तों, पर इस बैटरी में पानी गया दोस्तों। तो आज मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँगा दोस्तों कि अगर आपके फ़ोन में बैटरी मतलब जल्दी उतर जाती है दोस्तों, जल्दी बैटरी उतर जाती हो दोस्तों, या फिर आपकी बैटरी 1 घंटा 2 घंटा ही चल पाती है दोस्तों, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी का मैंने पॉइंट पूरे खोल दिया दोस्तों। तो फ़ोन में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, फ़ोन तो बिल्कुल ओके दोस्तों। प्रॉब्लम इस बैटरी में दोस्तों, इस बैटरी को चेंज कर देंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, और इस बैटरी को रिपेयर करेंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस बैटरी को रिपेयर करने वाला हूँ दोस्तों, और बैटरी में नहीं डालने वाला दोस्तों, है ना। तो हम इस बैटरी में आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस बैटरी में पहले ले लें, तो आपको सबसे पहले आपके फ़ोन की बैटरी को इसमें लगी हुई दोस्तों, आपको सबसे पहले बैटरी इसको फ़ोन में से निकाल लेना है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे बैटरी निकाली दोस्तों, और बैटरी निकालने के बाद आपको ये पत्ता देखते हैं, ये पत्ता भी आपको निकाल लेना दोस्तों। ये देखिए मैंने पत्ता भी निकाल लिया दोस्तों, अब इसमें आपको चेक करना है दोस्तों। देखिए पहले तो आपको बता दूँ अच्छे से, देखिए दोस्तों हमारा ये पूरा देख सकते हो, पूरा में पानी गया हुआ दोस्तों, यहाँ पे पूरा बैटरी में हमारा पानी गया हुआ दोस्तों। यहाँ पे कैपेसिटर कंपोनेंट्स और यहाँ पे आईसी में भी हमारा पानी गया दोस्तों, जिससे हमारी बैटरी जल्दी उतर जाती है दोस्तों। हमारी बैटरी 1 घंटा ही चल पाती है, अगर चार्जिंग में कूल करता हूँ तो 1 से 2 घंटे में हमारी बैटरी चार्ज, हमारे फ़ोन की पूरी चार्जिंग लो हो जाती है दोस्तों, तो चार्जिंग बहुत जल्दी उतरती है दोस्तों इसके अंदर। तो इसके अंदर फॉल्ट या तो ये बैटरी में या फिर यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम है दोस्तों। तो हम इसको रिपेयर करेंगे पानी से, हम अपना थिनर की मदद से इसको साफ करेंगे दोस्तों, और इसका सलूशन करेंगे आज फाइनली, है ना। तो अगर आपकी भी बैटरी अगर उतरती हो जल्दी, मतलब आपकी बैटरी टकती नहीं फ़ोन में, जल्दी उतर जाती है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले बैटरी चेंज करना है, पहले आपको चेक कर लेना है आपका फ़ोन शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों। मैंने चेक कर लिया, मेरा फ़ोन बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हमारा फ़ोन ओके दोस्तों। मैंने आपको मल्टीमीटर से चेक करवाया दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी बैटरी के अंदर है दोस्तों। तो अभी इस बैटरी को हम पूरी सर्विस करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है और कितनी उतर रही है दोस्तों, है ना। तो अभी हमारी बैटरी की जो चार्ज थी वो 38 थी दोस्तों, मैंने चेक किया अभी वीडियो, मैंने स्किप करा दोस्तों थोड़ा। तो अभी हम उसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, मैं उसको साफ कर लेता हूँ। तो हम थोड़ा थिनर लेंगे दोस्तों, ये हमें पेट्रोल है दोस्तों मेरे पास, और पेट्रोल से मैं इसको साफ कर लूँगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से साफ कर लेना है। लेकिन हम अच्छे से साफ कर लें दोस्तों, दोस्तों अगर ज़्यादातर प्रॉब्लम बैटरी में से भी आती है दोस्तों, और कभी कभी फ़ोन मोबाइल में से भी आती है दोस्तों, तो हमारी प्रॉब्लम इसमें बैटरी में निकली दोस्तों। एक्चुअली ये फ़ोन वाटर डैमेज है दोस्तों, तो ये बैटरी भी पानी में गिरी हो दोस्तों, तो गिरी या फिर पानी में खराब हो गया दोस्तों फ़ोन, तो जिससे हमारी बैटरी नहीं चल पाती दोस्तों। तो हम अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से दिख रही हो दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे ये साफ कर लिया अच्छे से दोस्तों। अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे ये अभी मेन सोल्यूशन दोस्तों, आप सबसे मेन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये बैटरी वीवो की होती है अक्सर, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। देखिए ये IC भी ओके है, यहाँ पे सब चीज़ ओके दोस्तों, बट प्रॉब्लम इसके अंदर है। यहाँ पे लिखा हुआ ये काला काला दिखता है, इसको डायोड बोलते दोस्तों। ये शॉर्ट होने से हमारे जो बैटरी है अच्छे से वर्क नहीं करती है, और हमारे जो फ़ोन की बैटरी जल्दी से लो हो जाती है दोस्तों, मतलब ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, ये शॉर्ट है दोस्तों हमारा, तो हम इसको आपको रिप्लेस ही कर देना है, रिप्लेस कर देना, नहीं तो आपको शॉर्ट कर देना है। अगर आपके पास हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट कर दूँगा दोस्तों, इसको निकाल कर शॉर्ट कर दूँगा, फिर मैं चेक करूँगा, और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि मेरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, और हमें बैटरी भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले फटाफट दोस्तों। मैं थोड़ा पेस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा पेस्ट है दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा पेस्ट ले लिया दोस्तों, और पेस्ट मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ताकि ये हमारा ये आराम से निकल जाए दोस्तों। और अब आयरन का यूज़ करूँगा दोस्तों मैं, और इसको मैं निकाल लूँगा दोस्तों। देखिए आराम से मैं इसको निकाल देता हूँ, गर्म हुआ दोस्तों बहुत, तो इसको निकाल देता हूँ दोस्तों। देखिए तो अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों आपको, इसको मैं निकाल देता हूँ, ये हमारा नहीं होगा दोस्तों, अभी मजबूत है, ये देखिए निकल गया दोस्तों। अभी यहाँ से भी निकाल लेता हूँ मैं इसको दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये इसको आपको रिप्लेस कर देना है, या फिर आपको उस जगह पे आपको शॉर्ट कर देना है, इसको बाहर निकाल देना है। और यहाँ पे जगह देखिए खाली है दोस्तों, इसको फिर रखता हूँ नीचे। देखिए अब क्या करना है आपको, आपको ये दोनों शॉर्ट कर देना, ये दोनों को आपको शॉर्ट कर देना दोस्तों, आपका जो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, और आपकी बैटरी भी जल्दी नहीं उतरेगी दोस्तों, है ना। तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ फटाफट इसको। मेरे पास यहाँ पे एक जंपर है दोस्तों, मैं जंपर करूँगा दोस्तों इसके अंदर, तो मैं जंपर कर लेता हूँ फटाफट। और दोस्तों थोड़ा वीडियो स्किप कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए। हमने इसमें जंपर लगा दिया दोस्तों, अभी हम और इसको हम देखिए, हमने यहाँ पे हमारा जंपर लगा दिया दोस्तों। देखिए आपको इसी तरह ये जंपर लगा देना, और इसको शॉर्ट कर देना है। देखिए हमने निकाला, और इसको आप ऐसे बंद कर देना है, देखिए इस तरह से आपको बंद कर देना है। और अभी लगा था उसके अंदर दोस्तों हमारी बैटरी, और इस फोन को मैं चालू करता हूँ दोस्तों। देखिए हमने बैटरी लगाई, ये हम चालू, अभी फोन को चालू करता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों हमारा फ़ोन चालू हो गया दोस्तों। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस फोन में भी कॉम्बो डाला हुआ है दोस्तों, तब भी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें बैटरी जो उतरती है कि नहीं उतरती दोस्तों। और मुझे यकीन है दोस्तों कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो बैटरी के अंदर ही था दोस्तों। अगर बैटरी को मैं रिप्लेस करता तो भी यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता दोस्तों। और यहाँ पे मैंने बैटरी को रिपेयर कर दिया दोस्तों, ताकि कस्टमर का भी हमारा थोड़ा फ़ायदा हो गया दोस्तों, और थोड़ा फ़ायदा हमारा भी दोस्तों हो गया दोस्तों। तो हम इसको पैटर्न दोस्तों, मुझे पता नहीं,
पर अभी देख सकते हो अभी इसके अंदर चार्जर है। दोस्तों यहाँ देखिए हमारे यहाँ चार्जिंग फोर्टिंग है दोस्तों, कितना चार्जिंग है दोस्तों 40 है। देखिए ये आपको अच्छे से बता देता हूँ, देखिए हमारी चार्जिंग अभी 40 है दोस्तों, 40% चार्जिंग है दोस्तों। अभी थोड़ा वीडियो को मैं स्किप कर दूंगा दोस्तों, देखिए कि मेरा 10 या 5 मिनट में हमारा चार्जिंग उतरता है कि नहीं उतरता दोस्तों। ठीक है, तभी मैं इस फोन को मैं रख देता हूँ। वैसे दोस्तों मैं फ़ोन पैक कर लेता हूँ ताकि चेक करूँगा दोस्तों, एक बार मैं फ़ोन को पैक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं 5 मिनट का वीडियो स्किप कर दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें बैटरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। ठीक है दोस्तों,